हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज ओएस मुख्तार और आप देख रहे हैं सईद ओएस मुख्तार व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद एक ऐसी चीज़ जो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप जाएं तो आपके काम आती है। जब आप किसी पुरएतमाद शख्स या कॉन्फिडेंस शख्स से बात करते हैं तो आप एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं। उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है और आप ख़ुद भी पुरएतमाद महसूस कर रहे हो। पुरएतमाद लोगों की निशानियाँ क्या हैं? जब आप उनको देखते हैं, उनका सामना करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो लोग थोड़ा सा चौड़ा होके चल रहे हैं, यानी कि वो सीधा अगर खड़े हुए हैं तो वो सीधा खड़े हुए हैं। अगर वो बात कर रहे हैं तो वो अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब बात करते हैं तो वो अपनी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी आवाज़ को पावरफुल रखते हैं, वो अपने हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी बात के ऊपर, किसी मजाक के ऊपर अगर ताली मारनी हो तो वो उसे हिचकिचाते नहीं, बल्कि किसी भी कन्फ्यूजन से, किसी भी बिना डरे वो हाथ भी मारेंगे, ताली भी मारेंगे, और आपको उनकी बातचीत से पता चल जाएगा ये शख्स है जो कि पुरएतमाद है। उसके बरक्स अगर हम एक ऐसे शख्स से मिलें जो कि पुरएतमाद ना हो, जो कि कंफ्यूज हो, तो हम देखेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ये चीज़ जाहिर कर रही है। वो अगर बैठेगा तो उसके कंधे झुके हुए होंगे, बात करेगा तो बहुत ही लो वॉइस के अंदर बात करेगा, और उसकी बातों के अंदर यकीन कम होगा, यानी कि वो बात करेगा तो शायद, मेरा ख्याल है, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेगा। जबकि कॉन्फिडेंट शख्स या पुरएतमाद शख्स अगर बात करेगा तो बोलेगा कि ऐसा है, आप मेरी बात पे यकीन करें और ऐसा ही होगा, तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेगा। तो ये दो चीज़ें कि एक तरफ कॉन्फिडेंट शख्स है, पुरएतमाद शख्स है, और एक तरफ गैर एतमाद शख्स है। तो जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो कि कॉन्फिडेंट होता है, यकीनन हम उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं क्योंकि उसको ख़ुद के ऊपर ज़्यादा एतमाद है। एमी कडी एक अमेरिकन रिसर्चर है और उसने इस बात के ऊपर रिसर्च की है कि क्या बॉडी लैंग्वेज हमारे बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करती है या नहीं करती। एमी कडी ने बहुत से लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये बात वाजे की कि जिस तरह हमारे अंदर का बिहेवियर हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हावी होता है, उसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुश होते हैं तो आप हंसते हैं, अगर आप दुखी होते हैं तो आप रोते हैं, यानी कि आपका दिल दुखी है और आपकी बॉडी इस बात को एक्सप्रेस कर रही है कि हाँ मैं दुखी हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, अगर आप खुश ना हों और अपनी बॉडी को चेंज करें, आप स्माइल करें, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर बाद खुश फील करना शुरू कर देंगे। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एमी कडी ने प्रूव किया और इस बात को प्रूव किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बिहेवियर्स को चेंज कर सकती है और इवेंचुअली आपके बिहेवियर आपके आउटकम्स को चेंज कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप किसी ऐसे टास्क के अंदर जा रहे हो, कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसके अंदर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, और ऐसे प्रोफेशन के अंदर हमें कॉन्फिडेंस की हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे टास्क को फुलफ़िल करने के लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने करना ये कि अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करना है और थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करना है, यानी अगर आप बैठें तो बजाय इसके कि आप ऐसे झुक के बैठें, आप थोड़ा सा स्ट्रांग होके बैठें, आप थोड़ा सा चौड़े होके बैठें, तो इवेंचुअली आप अपने अंदर भी वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। किसी इंटरव्यू में जाना हो तो जब आप वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हुए होते हैं तो आप बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो झुक के, आप थोड़ा सा चौड़ा होकर बैठे और आप अतराफ़ के मनाजिर को देखने की कोशिश करें। इस तरह ये होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट होगा और आपका जहन भी पुरएतमाद महसूस करेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल किया है तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें जहाँ पे मैंने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में मज़ीद चीज़ें बताई हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, imos.com। अस्सलाम वालेकुम।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।